नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से है। आज 2 नवंबर 2020 को हरियाणा के भिवानी जिले में नेशनल शूटर मनोज यादव के हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भिवानी में जनसंघर्ष समिति, जनवादी महिला समिति, लेबर क्रांति मोर्चा, महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स अकेडमी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया और भिवानी में भाजपा के विधायक घनश्याम सर्राफ के घर का घेराव किया। जब सभी संगठनों ने विधायक घनश्याम सर्राफ के घर का घेराव किया तो भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद था। सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। सभी कार्यकर्ताओं ने घनश्याम सर्राफ होश में आओ के नारे भी लगाए और कहा कि मनोज यादव के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन 2 महीने से मनोज यादव के हत्यारों को पकड़ नहीं पा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि मनोज यादव की 5 बहनों को इंसाफ दो। सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पूरी भिवानी में पैदल मार्च कर मनोज यादव और मनोज यादव की 5 बहनों को इंसाफ देने के नारे लगाए। जब विधायक घनश्याम सर्राफ के घर का घेराव किया गया तो आम जनता में भी काफी रोष था और आम जनता भी प्रदर्शन में शामिल हो गई। रोहतक मंडल ब्यूरो चीफ सोनू प्रजापति की रिपोर्ट। है कि 5-7 दिन के अंदर अंदर अपराधियों का हम पता लगाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। अगर ये 5-7 दिन में अपराधी जैसे विधायक ने बताया, हमें आशा है कि गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो 7 नवम्बर को इसी तरीके से 11 बजे ठाकुर वीर सिंह पार्क, जो पुराने बस स्टैंड के पीछे, वहां इकट्ठे होकर के हम सांसद साहब के रेजिडेंस पर जाएंगे प्रदर्शन करते हुए और उनसे भी मांग करेंगे कि आप बिल्कुल चुप हो। भिवानी का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी मनोज यादव का कत्ल कर दिया गया है। 5 बहनों का इकलौता भाई है, उसके माँ बाप भी नहीं है और उसको आप न्याय दिलाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। हम इसलिए भिवानी की जनता को लेके आपके द्वार पर आए हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन 5 बहनों को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। इसी तरीके से अनुशासन में रह करके हम सांसद साहब के घर जाएंगे 7 तारीख।